हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। और आप लोग कैसे हैं? सब लोग ऑनलाइन आ जाइए। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि द इंडियन लिमिटेशन एक्ट, द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है, तो इस लिंक को जो है उसमें सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, एडजस्ट वाले में भी लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है। ओके धनराज, ठीक है। हाँ धनराज, शेयर कर दो सबको ग्रुप में। अब इसके बाद जो है ये लिमिटेशन एक्ट में आज आप लोगों को, क्योंकि यस कई एक्ट जो है इसमें काफ़ी सेक्शंस हैं और एमपी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और भी एग्ज़ाम में ये आपको कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको टिक लगवा देता हूँ, इसलिए आप इस लोग आप लोग उसको अपने बैलेट में टिक लगा लीजिए। बाकी कुछ सेक्शन को मैं डिस्कशन करवा देता हूँ। ठीक है, और बाकी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, नहीं क्योंकि सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी करिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब आप अपने बैलेट को ओपन करिए और सेक्शन नोट करिए कि कौन कौन से सेक्शंस जो है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये एक्ट, देखिए एक्ट नंबर ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्ट नंबर जो होता है ये हर एग्जाम में पूछ देता है कि एक्ट नंबर कौन सा है, किस डेट को ये इन्फोर्समेंट किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो याद करनी है प्री के लिए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक्ट नंबर कितना है, 36/1963, यानी कि ये अधिनियम संख्या 36 है। ठीक है, ये भी प्री के लिए एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है नीरू, अब ये एक्ट किस डेट को लागू होता है? द लिमिटेशन एक्ट केम इंटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1964, यानी कि 1 जनवरी 1964 को ये एक्ट लागू होता है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम प्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये इसमें है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि इस एक्ट का क्या प्रियम्बल है, व्हाट इज़ द प्रियम्बल ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे देखिए प्रेम्बल में दिया है क्या है कि टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉ रिगार्डिंग टू द इंडियन लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, तो यानी कि विधि को समेकन करना और क्या है, विधि को संशोधन करना। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये प्री में अक्सर पूछ देता है। ओके, अब आगे आगे प्रोसीड करते हैं कि अब हमें देखना है कि कौन कौन से सेक्शंस प्री में और कौन कौन से सेक्शन मेंस के लिए। इसलिए सब लोग इसको क्या करिए, आप सब लोग इसको टिक लगा लीजिए, क्योंकि प्री के लिए मेंस के लिए सेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 1 जो है प्री के लिए आता है। ठीक है, इसलिए आप लोग टिक लगाने के साथ साथ लाइक भी शुरू करिए, कोई भी लाइक करना जब भूले ना, क्योंकि टोटल 18 लोग हैं और लाइक अभी 10 ही आया है, इसलिए आप लोग उसको करते रहिए, भूलिए बात। ठीक है, अब उसके बाद पहला आप लगाइए सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या है, ये सिंगल टिक लगाइए, क्योंकि ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 प्री के लिए इम्पॉर्टेंट, यानी कि 1 और 2 आपको प्री के लिए ही पढ़ना है, इसमें मेंस में कोई रोल नहीं है। फिर आइए सेक्शन 3। सेक्शन 3 पे देखिए क्या है, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ध्यान दीजिएगा, यानी कि धारा 3 से लेकर के 9 तक, सेक्शन 3 से लेकर 9 तक आप डबल टिक लगाइए। क्यों? क्योंकि ये मेंस में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ प्री में भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सेक्शन 3 से लेकर 9 तक आप डबल टिक लगा लीजिए, प्री और मेंस दोनों का। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करिए 3 से लेकर के 9 के बाद अब आपको देखना है कि आगे की जो सेक्शन है उनका क्या रोल है। तो वो बेसिकली जो सेक्शन 10 है वो प्री में पूछा जाता है, इसलिए आप उसको सिंगल टिक लगाइए। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करिए, सेक्शन है आपका 12, यानी कि धारा 12 जो है उसमें आप डबल टिक लगाइए। टिक लगाते रहिए सब लोग। टिक लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 12 जो है वो क्या है, वह मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आप प्री में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, प्री में भी इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर सेक्शन 12 के बाद फिर आता है सेक्शन, देखिए 13 छोड़ दीजिए, कोई इसे नहीं है। हाँ 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 में देखिए ये आप डबल टिक लगा सकते हैं, यानी कि जो जो डबल टिक होगा उसको आपको प्री के लिए भी पढ़ना है, उसको मेंस में भी पढ़ना है। इसलिए डबल वाले पोर्शन को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 14 के बाद आइए 16। 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 16, क्योंकि ये बात करता है किसकी, कि वाद लाने का अधिकार के बारे में दिया है, ठीक है। अगर वाद लाने का अधिकार है उसके प्रोद्भूत होने पर क्या होता है, अगर उसके होने के पूर्व मृत हो जाने का क्या प्रभाव, उस वक्त क्या होता है, तो ये भी मेंस में पूछा जाता है और साथ साथ प्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेक्शन 16 को भी आप उसको टिक लगा लेंगे, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 17 और 18, लिख लीजिएगा, वेरी मोस्ट सेक्शन है इस एक्ट के, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके 17 और 18 है। क्यों? क्योंकि जो 17 देखिए किसके बारे में दिया है, कपट या भूल का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक, तो इसको भी आपको टिक लगाना है, ठीक है। फिर आते हैं किस पर आएंगे हम लोग, फिर 17 हो गया, 18 में एक्नॉलेजमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट पर भी क्वेश्चन अक्सर प्री में पूछा जाता है, अक्सर प्री में पूछा जाता है, लेकिन ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन मेंस में भी कई बार पूछा गया है। तो अब जैसे अगर आप एमपी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ मित्री में भी इम्पॉर्टेंट है। लिमिटेशन एक्ट जो है और भी कई जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आप अगला टिक लगाएंगे सेक्शन 20, 21, 22, यानी कि धारा 20, 21, 22, ये केवल प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको क्या लगाएंगे, सिंगल टिक लगाएंगे, एक बार टिक लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए फिर आता है आपका सेक्शन आ गया 20, 21, 22 के बाद, 20, 21, 22 के बाद आप क्या लगाएंगे, इसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। देखिए 24 कभी पूछ देता है, आप 24 को सिंगल टिक लगाएंगे, एक बार टिक लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये प्री में ही पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता है। आपको सेक्शन 24 को केवल प्री के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मेंस के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपके बहुत गिने चुने सेक्शंस बचते हैं, सेक्शन 25, 26 और 27, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25, 26, 27, ये आपका प्री और मेंस दोनों पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन 28 रिपील्ड हो गया है, ठीक है। उसके बाद 29 सेविंग्स है, ठीक है। और उसके बाद 31 भी प्री में पूछा जाता, तो आप 31 भी लगा सकते हैं प्री के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इतने एक्ट आपको, एक्ट के सेक्शंस देखने हैं, और इसके साथ साथ आपको कुछ आर्टिकल्स भी देखने होंगे, ठीक है, जो इस सेक्शन की बात दी गई है, शेड्यूल के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन सेक्शन को हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आप देखते हैं कौन कौन से सेक्शन कैसे कैसे, जैसे देखिए सपोज दैट, अब आगे क्या है कि जैसे आप सेक्शन 2 में जैसे एप्लीकेंट पूछ देता है, एप्लीकेंट कौन है, ठीक है। इसमें आपको दो तीन पॉइंट समझना है कि जैसे एप्लीकेंट पेटिशनर होता है, कोई ऐसा पर्सन होता है जिसका कोई राइट राइज होता है, या कोई ऐसा पर्सन होता है जो रिप्रेजेंटेशन करता है, जो किसी निष्पादक के रूप में या किसी रिप्रेजेंटेशन के रूप में करता है। तो ये भी मुझे देखिए इसका 2B में पूछ देता है, क्या पूछ देता है कि जो आवेदन होता है यानी जो एप्लीकेंट होता है उसमें क्या आता है, तो एप्लीकेशन में केवल अर्जी आती है, एप्लीकेशन इंक्लूड्स ए पेटिशन ओनली, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसमें आप लगा सकते हैं कहाँ डिफेंडेंट की बात की जा रही है, तो डिफेंडेंट 2E में दिए है, ठीक है। उसके बाद इजमेंट, फिर विदेश यानी फॉरेन, क्या ये सब आपको अच्छी तरह, हाँ गुड फेथ, देखिए एक वर्ड है गुड फेथ, तो गुड फेथ किस में है, 2H में है, ठीक है। तो गुड फेथ भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे की बात होती है जो है 2J, जे में दिया पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात की गई। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है कि उसमें दिया है, साफ साफ दिया गया है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन में कोई भी वाद यानी कि सूट, कोई भी अपील और कोई भी अप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा यही आता है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या क्या आता है,
कि कोई भी वाद अपील और आवेदन के लिए जो दिया गया उसमें आता है ये लिमिटेशन एक्ट, उसी पर लागू होता है। ठीक है, उसके अलावा 2L, ध्यान दीजिएगा 2L बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिसमें सूट की बात की गई है, वाद की बात की गई है, तो वाद में क्या आता है, अपील या आवेदन नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। तो ये आपका प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके प्री में एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होती है 2M, जो टॉर्ट की होती है। ध्यान दीजिएगा, टॉर्ट जो है कोडिफाइड नहीं है, टॉर्ट कोई एक्ट नहीं बना है, लेकिन पूछता है कि किस एक्ट में टॉर्ट को डिफाइन किया गया है, तो जो लिमिटेशन एक्ट है उसी में, उसके सेक्शन 2M में टॉर्ट यानी अपकृत को क्या डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इतना देखने के बाद आप देखिए सेक्शन 3 में क्या करना है। सेक्शन 3 में आपको बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में दे रहा है कि परिसीमा द्वारा वर्णन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें पहले आपने देखा क्या है कि वाद यानी कि सूट, अपील, अपील में और एप्लीकेशन में क्या होगा, ये लिमिटेशन टाइम देखा जाता है। अगर कोई भी सूट लिमिटेशन टाइम में नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन 4 में क्या कहता है, वही कहता है कि अगर जिस दिन लिमिटेशन टाइम का लास्ट दिन है और उस दिन कोर्ट अगर बंद है, ठीक है, तो जिस दिन कोर्ट ओपन होगा उस दिन वो लिमिटेशन टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। इसी बात को CRPC के सेक्शन 471 में बताया गया। ध्यान दीजिएगा, आप सेक्शन 4 को CRPC के सेक्शन 471 से भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री में ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 5 का देखिए, सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 5 में किया है कि एक्सटेंशन दे रहा है, उस लिमिटेशन टाइम का कुछ परिस्थितियों में एक्सटेंड किया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें भी आप जानते रहिएगा कि इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि कोई अगर ऐसी अपील है या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें CPC के आर्डर 21 के उपबंध से भिन्न बात हो। ध्यान दीजिएगा, यस आर्यन, ठीक है, देखो ध्यान से और तुरंत लाइक करो। तो अपील या आवेदन है जो CPC के आर्डर 21 से भिन्न हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उसको विहित काल के प्रिस्क्राइब टाइम के बाद क्या किया जाएगा, उसको ग्रहण किया जाएगा, एडमिट किया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि उसके लिए पर्याप्त हेतु देना पड़ेगा, सफिशियंट कॉज देना पड़ेगा, तभी जो है कोर्ट उसको क्या करेगा, ऐसे सूट को आफ्टर लिमिटेशन भी क्या करेगा, एडमिट करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेक्शन 6 जो है वो बात करता है किसकी, डिसेबिलिटी की बात करता है, निरोग्यता की बात करता है। तो पहले यहाँ पे प्री के लिए जानना क्या है कि ये लिमिटेशन, ये डिसेबिलिटी किस पर लागू होती है, माइनर अवयस्क पे, पागल, पागल पे लागू होती है यानी इंसेंट पे, और जड़ पर यानी कि इडियट पे। पूछ देता है कि किस पर लागू नहीं होती है, तो अवयस्क पर, पागल पर और जड़ पर ये जो लीगल डिसेबिलिटी वो लागू होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछ देता है और इसने सेक्शन 7 भी दिया है कि अगर कई व्यक्तियों में एक की निरोग्यता हो, यानी कि डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, उस कंडीशन में क्या है, तो आप 7 को भी थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, क्योंकि प्री के लिए कभी कभी क्वेश्चन सीधा पूछ देता है। हाँ, यहाँ पे जो सेक्शन 8 और 9 है उसमें 8 में ध्यान देना है कि 3 वर्ष का टाइम दिया गया। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डिसेबिलिटी है उसके लास्ट से, और वो व्यक्ति जो व्यक्ति की डेथ होती है उसके 3 वर्ष से अधिक विस्तार करने वाली समझी जाएगी, तो 3 3 ईयर्स का टाइम इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, तो यहाँ पर भी याद कर लीजिएगा। सेक्शन 9 देखिए, सेक्शन 9 क्या कहता है कि कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, यानी समय का निरंतर चलते रहना। इस सेक्शन 9 लिमिटेशन एक्ट को आप CRPC के सेक्शन 472 से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। CRPC की धारा कौन सी है, 472 से कनेक्ट करेंगे, कब जो है समय निरंतर चलता रहता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 आपको देखना नहीं, 12 में आप देखिए, 12 में दे रहा है कि जो विधिक कार्रवाइयों में समय का अपवर्जन कैसे होता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स है। तो इसमें दे रहा है कि उस करने में जिस दिन से उसको होगा उस टाइम को किसी सूट में, किसी अपील में या किसी एप्लीकेशन में क्या करेंगे, उस प्रिस्क्राइब टाइम को एक्सक्लूड कर देंगे,
क्या कर देंगे, आप वर्जित कर देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट उस दिन को, ठीक है, जिस दिन से वो गणना की जाती है, जिससे काउंटिंग जाती है, उस दिन को हम निकाल देंगे, ठीक है। ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में और पूछ लेता है, इसलिए आप सेक्शन 20 को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सीधा डायरेक्ट 16 पे आना है, बाकी मैंने जो टिक लगाया उसको देख लीजिएगा, क्योंकि 16 में दिया है कि वाद लाने का अधिकार क्या होता है उस कंडीशन में। यस, एमपी लोकल लॉ वगैरह भी आपको पढ़ेंगे, पहले इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। एमपी लोकल लॉज का सारा मैं डालूंगा, एमपी लोकल लॉ में एकोमोडेशन और लैंड रिवेन्यू का पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए 16 देखिए, वाद का अधिकार पूर्ण होने पर उससे होने पर मृत हो जाने का प्रभाव इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन द बिफोर आर एक्रूवल ऑफ द राइट टाइम, ध्यान दीजिएगा। तो 16 में आप इसको इतना जानते रहिएगा कि 16 में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, लेकिन आपको इसकी हेडिंग को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि आज की डेट में हेडिंग से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको हेडिंग वाइज और जहाँ जहाँ आपको उसका लिमिटेशन टाइम दिया गया है उस टाइम को भी आपको देखना होगा, ठीक है। फिर आप आ जाइए उसके बाद, फिर 17 मैंने पहले बताया था कि 17-18 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 17 में देखिए क्या बोलता है कि दो बातें दी है, इफेक्ट उसका किसी चीज़ का फ्रॉड और मिस्टेक का है, तो कपट अगर होता या भूल होती है तो उस समय क्या होगा, लिमिटेशन टाइम क्या इंक्रीज होगा या नहीं होगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके इस क्वेश्चन के लिए, सेक्शन 17 को आपको ध्यान देना है। तो इसमें साफ साफ दे दिया गया कि अगर कोई ऐसा प्रिस्क्राइब टाइम विहित किया गया है, किसके लिए, किसके लिए विहित किया गया है, लिमिटेशन के लिए किया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या वह किसके कपट पर आधारित है, वो कपट देखा जाएगा किसके द्वारा किया गया है, इसको साथ साथ वो कपट किस डेट से छिपाया गया, कंसील किया गया, ठीक है। और अगर उसके भूल का परिणाम क्या मुक्ति है, यानी कि उसको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, तो उसको भी देखा जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे दे रहा, लेकिन ये इसका टाइम कैसे शुरू शुरू होगा, जहाँ पे जो वादी है, प्लेंटिफ है, जो अप्लीकेंट है, उसका क्या होगा, कपट या भूल का पता चला होगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे इसके जो क्लास प्रोवाइजो में दिया हुआ है वो क्या है, 1 ईयर का टाइम दिया गया है, तो उसको भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए सेक्शन 18 में क्या करना है कि यहाँ पे लिखित की अस्वीकृति का प्रभाव क्या है, ठीक है, लिखित की अस्वीकृति का प्रभाव क्या है, तो यहाँ पे ये पूछता है ना, यहाँ पे कह रहा है कि जिस दिन वह एक्नॉलेजमेंट होता है, ठीक है, जिस एक्नॉलेजमेंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें देखा जाता है कि उसी दिन से एक नया लिमिटेशन टाइम शुरू होता है, उसमें एक नया परिसीमा काल शुरू होता है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, जिस दिन से वो एक्नॉलेजमेंट होता है, और क्योंकि उसको रिटर्न करना होता है, ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आप उसमें आप प्रोसीडिंग क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट बिना तारीख के, बिना डेट के है, तो उसके सेकंड क्लास में दे रहा है कि उसके लिए एविडेंस एक्ट के सेक्शन 91-92 आप देखेंगे, उसमें ओरल एविडेंस भी अलाउ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे दे रहा है, अब उसके बाद देखिए आप, मैंने कहा ना कि 20-21-20 यहाँ पे प्री के लिए पूछ देता है, इसको आप देखेंगे कि प्री के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि उसका इफेक्ट क्या होता है, तो 20-21-22 यहाँ पे आपको देखना है। हम 20 बात करते हैं कि जो नया नए वादी की बात करता है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटी फॉर डिफेंडर, इसके लिए बात करता है, तो ये सेक्शन 21 में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किस सेक्शन कहा गया है, आप उसको भी देखना होगा, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे दे रहा है ना कि जैसे ही अगर ये समाधान होता है, सेटिस्फाइड होता है इस चीज़ का, तो नए वादी का या प्रतिवादी को उसमें अंतर्भिष्ट किया जाएगा, और जो ऐसा सद्भाव पूर्वक किया गया हो, अगर गुड फेथ में ऐसी मिस्टेक हुई है, तो उस बात को उसमें क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा, ठीक है, और उसी तारीख से समझा जाएगा, माना जाएगा कि पूर्ववर्ती तारीख से, प्रीवियस डेट्स पर ही माना जाएगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। फिर आपको देखिए 24 आपको भी देखना है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 में जो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन किया गया इंस्ट्रूमेंट में, वो दिया ग्रिगोरियन कैलेंडर, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर उसमें दिया गया, ये पूछ देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं
25 में, देखिए 25 में है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे दो तरीके से बातें की गई, एक्विजिशन ऑफ इजमेंट बाई क्या दिया, प्रिस्क्रिप्शन, यानी जो सुखाचार होता है उसको अर्जन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सुखाचार जो होता है, इजमेंट होता है, वो सामान्यतः कितना होता है, 20 वर्ष के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 20 ईयर्स का टाइम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी ऐसे चीज़ के बारे में जिसका कोई प्रकाश यानी लाइट के बारे में, एयर के बारे में। ठीक है, इसमें जो लगातार बिना किसी बाधा के 20 साल अगर करता है तो वहाँ पे उसका राइट अराइज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई है कि उसके उस लिमिटेशन के 20 वर्ष के ख़त्म होने के पहले, 2 वर्ष पहले ही वहाँ से उसको दावा करना पड़ेगा, लिमिटेशन वहाँ से शुरू हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और सरकार की दशा में यानी गवर्नमेंट के कंडीशन में जो सुखाचार है, इजमेंट हो कितना है, वो 30 साल है, ध्यान दीजिएगा, 30 साल का टाइम है, लेकिन उसमें 1 वर्ष जो सूचना का जो होगा नियम, जो क्लेमेंट है दावेदार, उसको 1 वर्ष तक का बाधा अगर नहीं सहन करता, उसके लिए उपपत्त नहीं ली है, तो वहाँ 1 वर्ष का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार की दशा में 30 साल और उसमें 1 वर्ष का टाइम दिया गया है, नॉर्मली टाइम 20 वर्ष है, लेकिन उसका लिमिटेशन टाइम दो वर्ष पहले यानी 18 वर्ष शुरू हो जाएगा, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, बाकी 26, हाँ इसमें केस का नाम है सेक्शन 24(5) पे, मूलचंद्र बनाम छोगा का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये केस पढ़ के थोड़ा सा हंसी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं, हंसना नहीं, इंपॉर्टेंट केस है। क्या कि मूलचंद्र बनाम छोगा का केस है, इसमें साफ साफ कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है कि 20 ईयर्स एंजॉयमेंट ऑफ दिया है, क्या दिया है, अन इंटरप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव राइट ओवर आबादी लैंड ऑफ जागीरदार इज टू क्या दिया, एक्सटिंग्विश द लेटर क्लेम, यानी कि 20 वर्ष तक एक जागीरदार की आबादी भूमि पर चिरभोग का निर्विघ्न उपभोग जागीरदार की अभ्यर्थना को समाप्त कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसको इधर पढ़ना नहीं, आप लोग थोड़ा सा कुछ आर्टिकल लगा लीजिए, क्योंकि आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। शेड्यूल में देखिए कुछ आर्टिकल्स है, यहाँ भी लगा लीजिएगा। ठीक, क्योंकि दो तीन कुछ अगर देखिए एमपी के लिए 5 क्वेश्चन आना है, तो 5 क्वेश्चन में 3 इसमें, अगर 2 क्वेश्चन आर्टिकल्स आ सकता है तो आर्टिकल टिक लगा लीजिए। ठीक है, जैसे आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 देखिए, आर्टिकल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका टाइम 3 साल है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देखना है, फिर आर्टिकल आप लगाएंगे किसमें, 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 किसमें दे रहा है कि 19 देना, फॉर मनी पेबल फॉर मनी लेंट, यानी कि उधार दिए गए के लिए 3 साल होता है, ध्यान दीजिए 3 साल होता है उसमें लिमिटेशन है, कब से, जब उधार दिया जाए, जब उधार दिया जाता है उसी दिन से 3 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए आर्टिकल 20 देखिएगा, 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट, सब में 3 3 साल का कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद एक लगा लीजिए 27 28 37 28 39 36, ये आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा गया, पूछा जाएगा, सब में 3 साल का कंसेप्ट है। फिर उसके बाद दिया 42 43, सब में 3 साल का है। ठीक है, फिर 49 50, सब में 3 साल का है। 52 पूछता है फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, भाटक के लिए 3 साल का टाइम, क्लियर कट। फिर 54 3 साल का टाइम दिया गया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद 61 दे रहा है किसमें, मॉर्गेज के सेंस में दे रहा है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे 30 वर्ष 30 ईयर्स का टाइम दिया गया, किसमें दिया है, टू रिडीम फॉर रिकवर पजेशन और इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज, बंधक स्थावर संपत्ति के मोचन के कब्जे के प्रतिधारण के लिए बाद 30 वर्ष का लिमिट टाइम दिया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपको अगला देखना है इसमें 67, बहुत इंपॉर्टेंट है, 67 देख लीजिएगा। ठीक है, 67 में 12 ईयर्स का लिमिटेशन टाइम दिया गया है। ठीक है, बाई लैंड लॉर्ड टू रिकवर द पजेशन फ्रॉम द टेनेंट, यानी कि मकान मालिक का किराएदार से क्या है, कब्जे के प्रतिरोध के लिए इसमें 12 वर्ष का टाइम दिया गया है। अगर 12 वर्ष बीत जाता है तो मकान मालिक का कब्जे उसको बेदखल करने का टाइम ख़त्म हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर 74 75 लगा लीजिए, यहाँ पे एक एक साल का लिमिटेशन टाइम दिया हुआ, इसको टिक लगा लीजिए आप। ठीक है, 80 में दिया है 1 वर्ष किसमें, फॉर द कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल सीजर ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी अंडर लीगल प्रोसेस, 1 ईयर का दिया होगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 1 ईयर का टाइम है। 87 भी एक बार एमपी में पूछा गया है और हर स्टेट पूछा जाता है, इसमें 1 साल के, इसमें निष्पादकों के बारे में दिया, एग्जीक्यूटर्स के बारे में दिया, एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में दिया गया, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पूछ जाता है, अगला है आपका है
97, देखिए 97 बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझिए इस चीज़ को। 97 में क्या दिया है कि सुफा के अधिकार का प्रवर्तन, देखिए, टू इन्फोर्स ए राइट ऑफ क्या दिया है, प्रिम्पशन, वेदर द राइट इज फाउंडेड ऑन लॉ और जनरल यूजेज आर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 1 वर्ष का टाइम दिया गया है, इसको देख लीजिएगा आप। फिर उसके बाद 103, 105 और 107, यहाँ पे देखते रहिएगा, ठीक है। फिर आ गया 112 में, 30 ईयर्स का दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंडीशन में, ठीक है। अगर कोई ऐसा सूट है जो उसके ड्यूरेशन में किया जाता है, तो यहाँ पे सीधा का सीधा कितना दिया, 30 साल का दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अपील का 114, बहुत इंपॉर्टेंट, अपील के बारे में भी दे दिया क्या, कि अगर कोई अपील जो है वो अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, यानी कि दोष मुक्ति का आदेश से अपील है, अगर CRPC के सेक्शन 417 के तहत, 90 डेज, ध्यान दीजिएगा, कब से 90 डेज, उस डेट से जिस डेट से अपील की गई है, और उसके साथ साथ दिया है कि उसमें 30 दिन और दिया गया, किस सेंस में, सेक्शन 417 क्लास 3 के तहत अगर विशेष इजाजत के लिए दिया गया टाइम, विशेष इजाजत के लिए दिया गया, तो वहाँ पे दिया है 30 दिन, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आइए आप 115, 116, 117 लगा लीजिए, 115, 116, 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 डेज का कंसेप्ट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 115 30 डेज, और 116 में 90 डेज है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 डेज, और 117 में 30, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि अपील का मैटर है, तो जाहिर सी बात है आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है 118 10 डेज का, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखिए 10 डेज का है सिस्टम, ठीक है। 10 डेज फॉर द लीव टू अपियर एंड डिफेंड ए सूट अंडर समरी प्रोसीजर, यानी कि संक्षिप्त प्रक्रिया के अधीन उपसंजात होने के लिए प्रतीक्षा के कितना दिन, 10 दिन का दिया है, तो 10 डेज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर 120 में 90 डेज का, 90 दिन का है, किस लिए है, कि 120 दिया है ना, कि इसमें दिया है कि किसी मृतवादी या अपलार्थी के मृत प्रतिवादी के दशा में विधिक प्रतिनिधि का, 90 दिन दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 90 दिन का केस है। और उसके बाद फिर 123, 124 इम्पॉर्टेंट है, 127 देखना है, और 130, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 130 में देखिए आपको पहले बताया है कि यहाँ पे वो अकिंचन के तौर पर अपील करने की इजाज़त, यानी कि जो प्रॉपर सूट होता है उसके कंडीशन में अपील के लिए क्या टाइम दिया जाएगा, उसके लिए लिमिटेशन टाइम दिया गया, ठीक है। फिर आप आइए 131 पे, 131 पूछ लेता है, नोट कर लीजिए सब लोग, 130, ठीक है, 130 में दिया है 90 डेज का कंसेप्ट है। 133 बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट में SLP के दशा में, ध्यान दीजिएगा SLP किस आर्टिकल में, 136, उसके तहत क्या लिमिटेशन टाइम है, 60 डेज इन ए केस इन्वॉल्विंग डेथ सेंटेंस, यानी मृत्यु की दशा में 60 दिन। उसके बाद दिया इन केस वेयर लीव टू अपील वाज रिफ्यूज बाय हाई कोर्ट, वहाँ पे 60 डेज की दिया है, ठीक है, इन एनी अदर केस 90 डेज का। तो ये आपको डेटा याद रखना है, 60 60 90 133 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आप 135 देख लेंगे, 135 में भी 30 30 ईयर्स का है लिमिटेशन, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री ग्रांटिंग ए मैंडेटरी इंजंक्शन, ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट 137 लास्ट है, जो पार्ट टू में दिया गया, क्या दे रहा है, एनी अदर एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन, मतलब अगर कहीं भी लिमिटेशन टाइम नहीं दिया गया हो तो वहाँ पे 3 साल रखा जाएगा। पूछ देता है अगर किसी जगह किसी बात के लिए लिमिटेशन टाइम दिया ही नहीं गया तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ पे आपको 3 साल का टाइम माना जाएगा। तो ये आपको इतना जो है आप जितना देखें उसको देख लीजिए, तो आपका लिमिटेशन एक्ट से जो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन प्री में आता है वो कवर हो जाएगा। और मैंने जो सेक्शन मेंस में लगवाया है उसको आप मेंस के लिए भी अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आपका प्री भी क्लियर हो जाएगा और मेंस भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर हम आप लोग लास्ट में ये मैसेज करिएगा कि ताकि मुझे पता चले, ठीक है, कि आपको इसके बाद कौन सा चाहिए, क्योंकि मुझे MPJ के लिए भी आप लोगों को जैसे MP एकोमोडेशन का, उसके बाद लैंड रिव्यू का, और जो और भी जो माइनर एक्ट हैं NI वगैरह का आप मैसेज करेंगे तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और बिहार के लिए, इसके साथ साथ बिहार मेंस के लिए भी आप लोग इसको रेगुलर देखते रहिए, बिहार मेंस के लिए भी हम एक एक सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे और उसको लिखवाएंगे, ठीक है, आपको लिखने का तरीका फिर बताएंगे, क्योंकि मेंस का आपका एग्ज़ाम
पॉसिबिलिटी है अप्रैल में होने के, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको देखिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि आपको आप फिर से, क्योंकि मैंने इधर काफ़ी दिन हो गया वीडियो डाले, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, हर दूसरे दिन वीडियो मिलेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।